नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आठी और सिलसिला बाजारों का मैं एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह की कार्यवाही सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। कैसे सीट पर देख रहे हैं कि जनवरी वायदा 5820 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है मामूली सी बढ़त के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि अब कैसे सीट का वायदा बाजार रेंज बाउंड हो चुका है, 5800 के लेवल्स पर आ चुका है। जैसा आपने बताया था कि 5800 से 6000 का सीमित दायरा देखने को मिलेगा, वो हम बनता हुआ देख रहे हैं। कल को हमने 5700 के भी लेवल टच होते हुए देखे हैं। अब आपको यहाँ से क्या लग रहा है, आज इंटरडे में कैसे सीट में कैसा कारोबार दर्ज किया जा सकता है? देखिए, इंट्राडे की बात करें तो कैसे सीट में थोड़ा सा आज इंट्राडे में बाइंग आते हुए दिखाई दे सकती है और ऊपर में भाव जो है वो 5860 तक एक बार अपसाइड पकड़ सकते हैं। और अगर देखिए 5860 5880 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो 6000 तक भी कैसे ऊपर जा सकता है। तो यूं कहें कि यहाँ पर अभी बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। 5700 का 5700 या 5720 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप पोजिशन को यहाँ से बाइंग में जा सकते हैं और ऊपर में टारगेट जो है वो सकता है आपको आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर 6000 तक के स्तर देखने को मिले। जी, ये से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वादा देख रहे हैं 3005 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। 3029 का हाई लगा चुका है, 0.1% की तेजी है। रूपा जी, आपने जो टारगेट दिया था कि 2900 के बाद बिनौला खल 3000 का टारगेट दिखा सकता है, वो कल को आपका बिनौला खल का टारगेट अचीव हो गया था। अब आपको यहां से क्या लगता है, कल भी 3000 के ऊपर सस्टेन हो गया था, आज भी 3000 के ऊपर सस्टेन हो रखा है, तो क्या अब जो अगला कारोबारी सप्ताह होगा नए साल पे, साल 2022 का, क्या उसमें बिनौला खल एक या दो ट्रेडिंग सेशंस, मतलब एक या दो हफ्ते के अंदर अंदर 3200 की भी लेवल्स दिखा पाएगा क्या? देखिए, हो सकता है तेजी बन जाए इतनी, लेकिन देखिए लेवल एक्सपेक्टेड है, 3200 का स्तर आ सकता है। ये नहीं कह सकते कि एक हफ्ते में आएगा या 15 दिन में, बट हाँ, यहाँ से अगर मार्केट सस्टेनेबल हो जाता है 3000 के ऊपर, तो यहाँ से जो इमीडिएट टारगेट है वो 3080 से लेकर 3120 तक जा सकता है और वहां से फिर आप 3200 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें चुटमुट करेक्शन रह सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और नेक्स्ट वीक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3080 तक का मैक्सिमम अपसाइड बन सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया हुआ, जीरा हुआ या हल्दी हुई, तीनों में ही वायदा बाजार में एक नरमी के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। धनिया जो पहले एक तेजी की रेंज बाउंड में था, अब वो मंदी के रेंज बाउंड में आ चुका है। जीरे की कीमतों में भी देख रहे हैं कि नरमी देखने को मिल रही है। वहीं हल्दी की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर, वो जो माल है वो थोड़ा रोग वाला बताया जा रहा है, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि जो बारिश की वजह से क्रॉप डैमेजेस हुई थी, उसकी वजह से जो माल है हल्दी का मार्केट के अंदर, उस पर थोड़ा जो क्वालिटी है वो इम्पैक्ट हुई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, मसालों का रुझान आगे कैसा रह सकता है? देखिए, मसालों में अभी एक्सपोर्ट पीछे गिरे थे, इस वजह से प्राइजेस जो है वो उठ नहीं पा रहे हैं, एक्सपोर्ट डिमांड वीक हुए हैं। लेकिन अभी जैसे हल्दी की खबरें निकल कर आ रही हैं कि अच्छी क्वालिटी की हल्दी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है और उसके चलते आगे चलकर भी जो है वो प्रोडक्शन जो है हैम्पर हो सकता है, और अगर प्रोडक्शन कम रहता है और अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी कम रहती है सप्लाई की, तो आगे चलकर कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है और कीमतें तेजी में जा सकती हैं आगे चलकर। मुझे लगता है कि आगे एक दो महीने तक अच्छी खासी डिमांड जो है मसालों की पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है और इसमें तेजी बन सकती है। जीरा लगातार 16000 के ऊपर सस्टेन है, तो जीरे में आप मान के चलिए जो रेंज बन गई है अब यहाँ से 15000 से 17000 की रेंज जो है जीरे में भी बनी रह सकती है। वहीं हल्दी के अंदर 8500 से लेकर ऊपर में 9500 तक का जो है सीमित दायरा फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से करेक्शन आती है तो 8800 से लेकर 8600 तक मार्केट लुढ़क सकता है अप्रैल वायदा, और वहीं अगर तेजी बनती है तो 9200 के ऊपर अपसाइड मोमेंटम बनता दिखाई देगा जो इसको 9800 तक ले जा सकता है। तो फिलहाल सीमित दायरे में है, लेकिन उम्मीद यही है कि आगे चलकर इसमें एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में हमने देखा था कि कल के कार्रवाई सत्र में निचले सर्किट लगते नजर आए थे, ग्वार गम में लगभग 5% का, तो वहीं ग्वार सीड में 3.5% का निचला सर्किट देखने को मिला था। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ग्वार में कभी लोअर सर्किट तो कभी अच्छी तेजी बन जाती है, ये सीमित दायरा कब तक देखने को मिलता रहेगा, बावजूद इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत बने हुए हैं, एक तेजी सस्टेन नहीं हो पा रही है?
देखिए ग्वार के अंदर अभी ऊपरी स्तरों पर काफी ज्यादा वॉल्यूम्स जो है वो कम होते दिखाई दिए, लोगों ने काफी प्रॉफिट बुक किया और अपना माल निकाला है और इसके चलते प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अभी भी वायदा जो है 10,000 के ऊपर सस्टेन है और पहले भी हमने देखा था कि 10,000 के नीचे लुढ़का था लेकिन उसके बाद फिर तेजी बनी और 11,000 के ऊपर तक हमने इसको सस्टेन होते हुए देखा। सेम रेंज अभी भी बनती हुई दिखाई दे रही है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव बन रहा है यहाँ से। अभी लगता है कि आगे चलकर ग्वार अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो अभी अगर थोड़ा वो डिप आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एक बार फिर से 10,000 का स्तर तोड़ दे नीचे में और उसके बाद वापस से वहां से फिर से बाइंग इनिशिएट होते हुए दिखाई दे। लेकिन अभी सस्टेन हो रहा है इन्हीं लेवल्स के आसपास 9,800-10,000 के घरों में तो मुझे लगता है कि आगे तेजी बन सकती है और नया हाई ग्वार में देखने को मिल सकता है। जी ये सुरभा जी बात करें अगर सोयाबीन की तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि हम जनवरी वायदा 6348 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी 6400 के 6450 का लेवल दिखाने के बाद देखने की सोयाबीन में मुनाफा वसूली बनी थी कल, हमने 1.5-2% की करेक्शन आते हुए देखी है और अब देख रहे हैं कि 6300 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है क्या सोयाबीन में यहां से एक बार फिर से खरीदारी बनेगी? देखिए छुटपुट खरीदारी बनी रह सकती है। देखिए अभी तो यहाँ से तेजी समझ में आ रही है वो 6500 तक की मैक्सिमम अपसाइड एक बार लग रहा है कि सोयाबीन में बना रह सकता है और वहीं नीचे में 6200 से लेकर 6000 का स्तर हो सकता है। बहुत ज्यादा लंबी तेजी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है, 6500 तक अपसाइड बन सकता है। जी रूपा जी दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ कोमल कांत कुशवाहा जी जिनका सवाल है कि मकर संक्रांति और आगे शादी विवाह का सीजन है तो क्या रिफाइंड सोया तेल और चीनी में तेजी बन सकती है डिमांड बढ़ने की वजह से? देखिए चीनी में थोड़ा सा बाजार उठता हुआ नजर आ रहा है, चीनी में तेजी बन सकती है लेकिन रिफाइंड सोया ऑयल में अभी तेजी बनती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि उसमें भी बाजार जो है रेंज बाउंड रह सकता है, ना तो बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड है एडिबल ऑयल में और ना ही बहुत ज्यादा भी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल गार्लिक को लेकर आ रहा है, लहसुन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि लहसुन में आगे क्या होगा? देखिए लहसुन में जो तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तेजी अभी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। छूट-मूट खरीदारी आ सकती है, थोड़ा सा बाजार सस्टेन कर सकता है लेकिन लंबी तेजी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। जी रूपा जी दर्शक जुड़े हुए हैं संदीप खटकर जी जिनका सवाल MCX कॉटन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं MCX कॉटन में और कितनी तेजी आ सकती है? देखिए MCX कॉटन मुझे लगता है कि 34,500 से 35,000 तक जा सकता है, 34,000 के काफी करीब है और नया हाई अब लगता है कि एक बार फिर से छूता हुआ दिखाई दे सकता है और मुझे लगता है 34,800-35,000 ये स्तर MCX वायदा में देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी बहुत सारे दर्शक हैं जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है। रूपा जी हमने देखा है कि सरसों की बुआई का रकबा इस बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पिछले साल के मुकाबले, इस बार सरसों ने किसानों को काफ़ी अच्छा मुनाफा दिया है जिसकी वजह से किसानों ने सरसों की ओर ज़्यादा रुख किया है अन्य फसलों को छोड़ छोड़ कर, ऐसे में आपको क्या लगता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार सरसों की बुआई एक महीने से देरी से हुई थी तो एक महीना देरी से ही आएगी, मार्च के महीने में बताई जा रही है कि सरसों की नई आवकें मंडियों में देखने को मिल सकती हैं, तो जब बुआई ज़्यादा हुई है तो अराइवल्स भी ज़्यादा ही देखने को मिलेंगी क्योंकि जो अभी तक मौसम है वो भी इसके अनुकूल ही देखा जा रहा है सरसों के, तो ऐसे में आपको क्या लगता है आगे सरसों में कैसा रुझान रहेगा क्योंकि किसान सारे के सारे ये जानना चाह रहे हैं अगर किसी के पास सरसों का माल अगर अभी बचा हुआ है करंट में तो क्या उसको अभी रोक के चलें या बेच कर? देखिए आगे चलकर प्रेशर एक्सपेक्टेड है देखने को मिल सकता है अगर माल रोका हुआ है तो, अभी 15 दिन से लेकर 20 दिन का समय है, अगर इसमें तेजी बनती है तो आप बिल्कुल निकाले माल को, अब मुझे लगता है कि आगे चलकर दबाव बन सकता है। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं बनती दिखाई दे रही कि कीमतों में कोई बहुत ज्यादा उछाल आ सकता है तो इसीलिए जो भी बाउंस बैक मिले वहां पर एग्जिट ही करने में समझदारी होगी क्योंकि आगे चलकर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कीमतों पर दबाव आ सकता है। जी ये सर रूपा जी कुछ दर्शक हैं जिनका सवाल लगातार कॉटन को लेकर आ रहा है, कपास को लेकर आ रहा है, वो जानना चाह रहे हैं हाजिर में अभी कॉटन में कैसा रुझान रहेगा, क्या अभी इसको रोक लिया जाए क्या थोड़ा अभी होल्ड कर लिया जाए क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अच्छी कॉटन है मार्केट के अंदर अभी वो इतनी अवेलेबल नहीं है और डिमांड ज़्यादा है तो क्या आगे कीमतों में कुछ उछाल संभव है?
देखिए बिल्कुल कॉटन में उछाल संभव है, लेकिन अगर आपके पास माल रखा है तो अभी भी लेवल अच्छे हैं, थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट करना चाहिए, सारा माल ना रोके, आधा माल आप निकाल सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर भी, क्योंकि अब यहाँ से जो तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल के पीछे आ सकती है और बन सकती है हाजिर मंडियों के अंदर। जैसे 9100 के आसपास हमने देखी है अच्छी क्वालिटी की कपास, तो 9300 से 9500 मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है कि बाजारों में आता हुआ दिखाई दे। इनफैक्ट 10,000 का स्तर भी संभव है कि देखने को मिल सकता है, लेकिन वहां से हो सकता है कि पहले आपको करेक्शन देखने को मिल जाए, तो इसीलिए 50% माल आपको इन लेवल्स के ऊपर निकालना चाहिए, क्योंकि अभी भी प्राइसेस काफी अच्छे मिल रहे हैं, और अगर यहाँ से तेजी आती है तो 50% माल आप होल्ड कर सकते हैं, और अगर और तो तेजी बनती है तो वहां पर फिर एग्जिट करें। जी, तो यानी कि अभी जो कॉटन में हाजिर में लेवल्स मिल रहे हैं, जो स्तर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, उन पर भी अपना थोड़ा थोड़ा माल निकाला जा सकता है, कुछ माल को स्टॉक कर लिया जाए, सारे ही माल स्टॉक ना किया जाए, कुछ माल अभी निकाल दिया जाए रूपा जी के अनुसार तेजी में, और आगे जब और तेजी बनेगी बाकी माल बचा हुआ माल तब निकाल सकते हैं, तो ऐसे में आपके पास पैसा भी रहेगा और आगे अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। रूपा जी, बहुत सारे दर्शक हैं जिनका सवाल लगातार चने को लेकर आ रहा है कि चने में आगे क्या कैसा रुझान रहेगा। रूपा जी, हमने देखा है कि इस बार चने समेत और दालों का जो बाजार है वो काफ़ी ज़्यादा मंदा रहा है। इनफैक्ट दिवाली पर भी हमने देखा था कि दालों के बाज़ार में कोई खास रौनक नहीं थी, डाउन ही देखने को मिला था। काफ़ी सारे फैसले भी देखे गए, वायदा में चना बैन हुआ, अब रिसेंटली मूंग बैन हो गई है, स्टॉक लिमिट भी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आगे चने का बाज़ार कुछ उठता हुआ नज़र आ सकता है? देखिए दालों में अखिलेश तेजी नहीं है, दालों में अभी फिलहाल मुझे लगता है कि आगे चल के मंदी ही बनी रह सकती है, तो मेरे हिसाब से दालों में प्रेशर रहेगा तो मेरे हिसाब से तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, मुझे लगता है कि बाजार जो है इसी रेंज में घूमते हुए दिखाई देंगे। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ स्नेहभल जी, जिनका सवाल 1121 धान को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं 1121 में आगे बाजार कैसा रहेगा। अभी पीछे चावल की कीमतें लुढ़कती दिखाई दी थी, अभी कल परसों ही खबर निकल कर आई है कि कुछ एक एक्सपोर्ट डिमांड जरूर निकलती हुई दिखाई दे सकती है, कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि निर्यात मांग बढ़ सकती है, लेकिन ज्यादा लंबी तेजी की उम्मीद ना करें। मुझे लगता है कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो छुटमुट तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, बात करें अगर मेंथा की, तो मेंथा में आपको क्या लगता है, क्या मेंथा में साल 2022 में कुछ कीमतें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए मेंथा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, 990 के आसपास फायदा में भी हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर 1000 के ऊपर निकल जाता है तो तेजी में जा सकता है, और हो सकता है कि 2022 में मेंथा में कुछ सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे और कीमतों में तेजी बनती हुई दिखाई दे। अगर बाजार 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप मान के चलिए 1060 से 1080 तक बाजार ऊपर जा सकता है। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से, जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है और साल 2022 में भी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? देखिए मुझे लगता है कि आज तो अभी बाजारों में फिलहाल करेक्शन बनती हुई दिखाई दे सकती है, और एग्री कमोडिटीज के अंदर हफ्ते के ये जो साल के भी यूं कहें कि ये दो दिन बचे हैं, तो इन दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर बाजारों में एक बार पोजिशनें स्केयर ऑफ होती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके चलते थोड़ा सा दबाव आ सकता है तो बाजार गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। वही गिरावट के अंदर खरीदारी की रणनीति ढूंढनी चाहिए, पिनोला खल अगर गिरता है तो उसमें आप बाय करके चल सकते हैं, 2960 के आसपास भी मिले तो वहां पर भी बाइंग बनाया जा सकता है, और बिनोला खल के साथ साथ मुझे लगता है कि आगे चलकर आने वाले दिनों में कॉटन भी एक अपसाइड मोमेंटम में जाती हुई दिखाई दे सकती है, उसको भी बाय करके चला जा सकता है, और साथ में ग्वार एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है, अगर 10,000 के नीचे मिलती है तो वहां पर भी बाइंग की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। दर्शक हैं इमरान मेघानी जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है कि विदेश में सोयाबीन क्रॉप डैमेज हुई है तो क्या उसकी वजह से अपनी इंडिया की सोयाबीन में भी तेजी आ सकती है क्या? हाँ जी इमरान जी, अगर विदेशों में सोयाबीन की क्रॉप डैमेज हुई है तो वहाँ से भी यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भारत है खाद्य तेलों में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं बना है,
भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा आधे से ज़्यादा यानी कि 60-70% विदेशों से आयात करता है, और अगर विदेशों में तेजी आती है खाद्य तेलों में तो इंपोर्ट होते होते वो भारत में भी तेजी दिखा देती है, तो इसका असर भारत में भी खाद्य तेल की कीमतों पर तेजी के तौर पर देखने को मिलता है। और अभी भी US के अंदर जो सोयाबीन की कीमतें हैं, मक्के की कीमतें हैं, चाहे गेहूं की कीमतें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही हैं, जिसका असर हम सोयाबीन की कीमतों पर ज़रूर पड़ता हुआ देखेंगे। और हमने सोयाबीन को जो निचले स्तर से उठता हुआ देखा है वो उसी का ही नतीजा था। आगे जाके भी सोयाबीन में अगर विदेशों में तेज़ी रही तो आगे जाके सोयाबीन में भी तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। साउथ अमेरिका में जो वेदर कंडीशन है इस बार थोड़े ऐसे बनते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जितना सोयाबीन का उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा था उससे थोड़ा कम ही रह सकता है। हालांकि रिकॉर्ड उत्पादन रहेगा, इसमें कोई आशंका की बात नहीं है, जिसकी वजह से जो ग्लोबली सोयाबीन की जो सप्लाई है उनको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन जब तक वेदर कंडीशन पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती है, पूरे आंकड़े नहीं आ जाते हैं, तब तक ऐसे वहाँ भी असमंजस की स्थिति बनी रहेगी और भारत में सोयाबीन में विदेशों की सोयाबीन की तेज़ी का असर देखने को मिलता रहेगा। तो ये तो एक छोटा सा कम्युनिटी बाज़ार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाज़ार कैसा खुलता नज़र आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाज़ार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।